आपको बता दें कि राजधानी में हवा सड़क पर एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान पोल गिर गया और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम सत्येंद्र गुप्ता बताया गया और पंचवटी कॉलोनी खातीपुरा का रहने वाला है। अपने भाई जितेंद्र गुप्ता के साथ लाल कोठी जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। इस घटना में उसका भाई जितेंद्र गुप्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि मिनी बस के शटरिंग से टकरा जाने के बाद ये हादसा हुआ। सोडारा थाना पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई जबकि उसका भाई जितेंद्र गुप्ता गंभीर रूप से घायल बताया गया है। मिनी बस की शटरिंग टकरा जाने की वजह से पोल गिर गया और इसी वजह से बाइक सवार की मृत्यु हो गई। सोडाला थाना पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। जयपुर में हवा सड़क पर एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान एक पोल गिर गया और इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मृत्यु हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खातीपुरा की पंचवटी कॉलोनी का रहने वाला था मृतक और इस हादसे में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि हवा सड़क पर यह हादसा हुआ और मिनी बस की शटरिंग टकरा जाने की वजह से एक पोल गिर गया और इसी वजह से बाइक सवार की मृत्यु हो गई। इस हादसे में सत्येंद्र गुप्ता नामक युवक की मृत्यु हो गई जबकि उसका भाई जितेंद्र गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, क्या था ये पूरा मामला और इस हादसे में आखिर गलती किसकी थी? बस ड्राइवर की गलती थी और इस हादसे में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही है जो यहाँ पर सामने आई है। बिल्कुल, ये जो घटना है हवा सड़क की है जहाँ पर जो मेट्रो का जो एलिवेटेड है, एलिवेटेड का जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। जब यहाँ पर से सुबह एक जो यात्री बस थी, 30 यात्रियों की जो बस थी वो यहाँ से सुबह गुजर रही थी, तो यहाँ पर एक जो हाइट गेज है वो यहाँ पर जो पोल था वो लटका हुआ था। तो जब यहाँ से बस गुजरी तो ये हाइट पोल जो गेज है वो उस बस से टकरा गया और जब पीछे से यहाँ से मोटरसाइकिल सवार जो दो युवक है, दो भाई थे, जितेंद्र गुप्ता और सत्येंद्र गुप्ता, ये दोनों यहाँ से आ रहे थे क्योंकि अपने घर से पंचवटी जो सर्किल पे इनका जो घर है खातीपुरा में, वहां से गुजर रहे थे। तो जैसे ये पोल टकराया तो यहाँ पर जो जितेंद्र गुप्ता का जो भाई है सत्येंद्र गुप्ता, उसके ऊपर ये पोल जा गिरा और वहां पर दोनों भाई है जो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। लेकिन यहाँ पर जो सत्येंद्र गुप्ता है उसकी मौके पर ही यहाँ पर मौत हो गई क्योंकि सर पर यहाँ पर ये पूरा पोल गिरा था, काफी भारी भरकम था। क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि यहाँ पर जो ये बस नो एंट्री के अंदर प्रवेश करके गई थी और उसने यहाँ पर इसको क्रॉस करने की कोशिश की, तो हाइट जो गेज था, जो पोल था वो इस बस से टकरा गया। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है वो यहाँ पर बस जो 30 यात्रियों वाली जो बस है उसकी है। इसके अलावा जो एलिवेटेड का जो काम चल रहा है, जो फर्म है, जो शटरिंग लगी हुई थी उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर जो युवक है सत्येंद्र गुप्ता उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। बहुत ही बेहद दुखद और बड़ी लापरवाही वाली घटना बिल्कुल सामने आई है यहाँ पर। यादवेंद्र, क्या हादसों के बाद ही जयपुर का प्रशासन जागता है? जिस तरह से पता है कि राजधानी में मिनी बस ड्राइवर्स की मनमानी आए दिन सामने आती है, भले ही वो किसी भी चीज में हो, और जिस तरह से आपने बताया कि पोल पहले से झुका हुआ था, तो इसमें भी क्या हादसों का इंतजार कर रहा था जयपुर प्रशासन? देखिए ज्योति, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ये मेट्रो का एलिवेटेड का जो एलिवेटेड का जो काम चल रहा है, पुलियावा का जो काम चल रहा है, यहाँ पर जो ठेकेदार है वो यहाँ पर सोलाला थाने पहुंचे हैं और वो दलील दे रहे हैं कि उनकी तरफ से जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो पोल था वो लगाया हुआ था, निर्धारित हाइट पर यहाँ पर जो हाइट गेज था वो लटकाया हुआ था। लेकिन उनका ये साफ कहना है कि जो लापरवाही है ये यहाँ पर बस चालक की है। लाल यहाँ पर पुलिस ने बस चालक को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है, बस को भी जब्त कर लिया है। लेकिन बड़ी लापरवाही यहाँ पर केवल बस चलाने वाले ड्राइवर की नहीं की जाएगी, यहाँ पर जो एलिवेटेड का जो काम चल रहा है, जो ठेकेदार है उसकी भी यहाँ पर लापरवाही कराई कही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो हाइट गेज लगा रखा था वहां पर निर्धारित हाइट पे जो हाइट गेज लगाया था वहां पर कोई ऐसी लाइट की सुविधा नहीं दी थी जिसके चलते उसको पता चल सके। लेकिन ये सब चीजें हैं देखने वाली, जांच का विषय है कि ये सारी चीजें पुलिस इसको पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि किसकी लापरवाही सामने आई है और किसकी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, संबंधित जो ठेकेदार है उसके खिलाफ भी यहाँ पर मामला दर्ज किया है। इसके अलावा जो बस चालक है, जो ड्राइवर है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पूरे मामले की जांच पड़ताल में यहाँ पर पुलिस है जो जुट गई है। बिल्कुल ज्योति जी, यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि हवा सड़क पर एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान एक पोल गिर गया
और जिस तरह से आप सभी को पता है कि मिनी बस ड्राइवर्स की मनमानी के चलते नो एंट्री में घुस जाने से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी।